शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी मंगनी। हाँ। लेकिन माँ। लेकिन क्या? बताता हूँ, पहले इन सबसे कहो कोई यहाँ से जाए। आप लोग जाइए। रुक जाओ, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। माँ, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग जाइए। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये क्या कह रहा है तू? क्यों मंजूर नहीं है? क्या बुराई है नेहा में? माँ, रिश्ता लड़की का खानदान देखकर किया जाता है, और ये खानदान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तू कौन होता है फैसला करने वाला? मैंने जो फैसला किया है वही मानना होगा। जब नेहा पैदा हुई थी तभी मैंने उसे अपनी गोद में रखकर जानकी से वादा किया था। आज से ये इस घर की बहू है, और तू मेरे अरमानों को ठोकर मारना चाहता है। मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुझे आज अभी इसी वक्त नेहा से मंगनी करनी होगी। मैं मजबूर हूँ माँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने धामपुर के शंकर जी की बेटी चंदा से शादी करने का वादा कर लिया है। उनसे वादा करने से पहले तुझे ये भी याद नहीं रहा कि मरते समय अपने पिताजी को तुमने क्या क्या वचन दिए थे? माँ, मुझे हर वचन याद है, और उसी वचन को निभाते हुए बचपन से लेकर आज तक मैं उन लोगों की मदद करता रहा, मगर उसके बावजूद उसके बाप उसके भाई को रत्ती भर शर्म नहीं आई। अगर इज्जतदार होते, चाहे गरीब भी होते, तो भी मैं उनके घर से रिश्ता करने से कभी इनकार नहीं करता। लेकिन उन लोगों ने मेरी सेवा और मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। वो हरकतें की कि उनसे रिश्ता करना तो दूर, दुश्मनी करने को भी मन नहीं करता। और इसीलिए तूने उस दो कौड़ी के आदमी की बेटी से शादी करने का वादा कर लिया? माँ, वो भले ही दो कौड़ी के हों, लेकिन उनके पास इज्जत और शर्म हया की दौलत है। तो उस दौलत को तू ही चाटता रहे। अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी बहू से इतनी नफरत है तुझे? वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू नेहा है। बस एक ही बहू है मेरी। अगर मेरी पसंद की बहू इस घर में नहीं आती तो मैं भी इस घर से बाहर जा रही हूँ। ये तेरा आखिरी फैसला है? पत्थर की लकीर है मेरा फैसला, मगर तू भी याद रखना, मेरे अरमानों के साथ तूने मेरा दिल तोड़ा है। तू भी कभी सुखी नहीं रह सकता। याद रखना मेरी बात को, तू कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तन्मोहाय। जीते रहो, खुश रहो, भगवान तुम दोनों को मेरी उम्र भी दे दे। समाज की रीति रिवाज के मुताबिक तो लड़की वालों को दहेज भी देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं बाबूजी, आपने मुझे देवी जैसी बेटी दे दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इनकार मत कीजिएगा बाबूजी, आप अपने दामाद को नहीं बेटे को दुख दे रहे हैं। जी हाँ, आज से मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूं। कहाँ यही तो रखी थी है। गुरु, तुमने मेरी वो देखी? क्या देखी? देखता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, दूर खड़ा हो जा। मैं कौन सा तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेट में जा रहा हूँ, अपनी थाली देख रहा हूँ। तुमने मेरी थाली देखी क्या? थाली? हाँ। तेरी गंदी बदबूदार भिखारी की थाली मैं देखूं? बहुत अच्छे। चोर के घर में चोरी तो सुना था, पर फकीर के झोले में चोरी में पहली मरतबा देख रहा हूँ। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। पहले आपको मेरे साये से भी नफरत थी। वो तो आज भी है। भिखारी बनना आपको पसंद नहीं था? तो कौन बनना चाहता है भिखारी, भिखारी साला? तो फिर ये भिखारी की थाली में खाना क्यों खा रहे हो?
ये तेरी थाली है? जी मेरी थाली है। जो बेड में गया वो भी निकालो। वो तो निकलेगा ही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साला तेरा गंदा खाना गलती से खा गया, अब तेरे भिखारीपन के कीटाणु मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी। क्या बोला? सामने चल चल। बार, बार। शबा। भिखारी। बोलो जात भाई। ये बुढ़ा कौन है? ये उस लड़की का बाप और रवि का ससुर लगता है। रवि एक मिनट रुको बेटा। ये कौन है बेटा? जानकी चाची। आओ बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब दाहिना पांव आगे रखकर अंदर जाओ बेटी। ए जानकी, पत्नी मेरी और आशीर्वाद दुश्मनों को। तेरी अकल मर गई या आंखों का पानी मर गया? दोनों जिंदा है। मेरी आंखों का पानी नहीं मरा, इसीलिए तो मैंने रवि और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद? हमारी जिंदगी उसके एहसानों की कर्जदार है। तुमने जो ये कड़क स्त्री वाला जोड़ा पहना है ना, ये भी उसी का दिया हुआ है। इस तरह तो कोई दरवाजे पे खड़े भिखारी को भी नहीं झिड़कता। जिस तरह तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें झिड़का ना, अगर कोई मुझे झिड़कता ना तो मैं बिना पानी के कुएं में कूद के जान दे देता। कुआं ढूंढू? हरामखोर, तू क्यों हर वक्त मेरी जख्मों में चिंगारियां भरने आ जाता है? अगर वापस ही जाना था तो यहाँ आए क्यों थे? बीबी जी, बागीचे से आम लेके आऊं? हाँ ले आ। जी अच्छा। अरे बाबूजी कहाँ गए? सीधे हाथ से सीधे ऐसे 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 कर। बाबूजी ये औरतों का काम है, छोड़िए ना। छोड़ दिया छोड़ दिया। बस ये हॉर्लिक्स की बोतल साथ रख रही हूँ, रोजाना दूध में मिलाकर पिया करना। ये बीमारों को पिलाने का आटा है, मुझसे नहीं पिया जाएगा। नहीं आपको पीना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ, लोगों के लिए गाय भैंस खरीदने के लिए कड़कती धूप में मंडियों के चक्कर लगाना बंद कर दो, तबीयत खराब हो गई तो कौन ख्याल रखेगा? अच्छा अच्छा ठीक है। और हफ्ते में दो चक्कर जरूर लगा लेना। अरे दो क्या, चार चक्कर लगाऊंगा मैं। तुझे देखे बगैर मैं जी सकता हूँ क्या? नहीं बोल बोल तू। और ये रवि अभी तक नहीं आया। अरे लो नाम लिया और आ गया। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बड़ी लंबी। बाबूजी गांव जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई घर देखना है, काम काज देखना बस है। बस बाबूजी बस, बहुत काम कर लिया आपने, अभी काम करने की आपकी उम्र नहीं रही है। अभी बैठ के आराम कीजिए और गांव वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुनो तुम। देखिए अगर अपने दामाद के लिए आपके दिल में जरा सा भी प्रेम जरा सा भी मान होगा तो आप ये घर छोड़कर जाने का नाम नहीं लेंगे। आगे आपकी मर्जी। अरे क्या कह दिया इसने, तू समझा इसको। मैं क्या समझाऊं, ठीक ही तो कह रहे हैं। और अब मैं कहती हूँ अगर आपके दिल में उनके लिए जरा सी भी इज्जत है तो आप नहीं जाएंगे, आगे आपकी मर्जी। अब मेरी क्या मर्जी, जो तुम दोनों की मर्जी वो मेरी मर्जी। कोई काम ढंग से नहीं करती हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डालो ना, भूखे पैसे रहकर जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाऊं ताकि तुमसे छुटकारा पाऊं। क्या मुझसे जबान चलाती है? मुझसे जबान चलाती है रामपुर कमीनी। बस सुबह हुई और आप दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। माँ तुम चुप हो जाओ ना। जुबान चलाती रहे, मेरे सामने जुबान चलाती है। अरे सवेरे सवेरे जुबान काट कर उस भिखारी को सब्जी खिलाऊंगा उसकी। थूप 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 थूप। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। क्या देखती है? धनो। जी बीबी जी, ये इनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा था? आप कहाँ बताएं बीबी जी, वो दीदी है ना, उनके आदमी एक नंबर के निकम्मे हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाते।
तुम्हारी सास उनके घर में दाल चावल नमक देकर उनका घर चलाया करती थी, पर तुम्हारे आने के बाद ये सब बंद हुई गवा। वो बात का है कि उनकी बेटी नेहा की शादी अपने रवि बाबू से होने वाली थी, पर रवि बाबू ने इनकार कर दिया और शादी आपके साथ कर ली। बस यही कारण माँ जी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई और जानकी दीदी का इस घर में आना जाना बंद हुई गवा। चाची चाची, अरे चंदा बेटी आओ, बेटी आओ, इसे यहाँ रख दे। अच्छा, ये सब मुझे गैर मत समझिए चाची, आज से मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझिए, इसे रख लीजिए। नहीं बेटी, तेरे आने से पहले भी इस घर का बोझ रवि ही संभालता था, पर तब की बात और थी, तब के रिश्ते संबंध और थे, मगर अब भी हम लोग तुम पर बोझ बने, ये ठीक नहीं है बेटी। क्या मेरे उस घर में कदम रखते ही वो सब रिश्ते टूट गए? आज अगर मेरी जगह आपकी बेटी आपको ये लाकर देती तो क्या आप उसे भी ये जवाब देती? चाची, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई, मैंने ना उनकी सूरत देखी और ना ममता पाई। चाची, मैं तुम्हें अपनी माँ मानकर अपनी माँ के चरणों में एक छोटी सी भेंट रखना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करके अपनी बेटी पे एहसान कर दो माँ, एहसान कर दो। नेहा, ये क्या किया तूने? तुम चुप रहो माँ, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला जो ये भीख देकर हमारी बेइज्जती करने आई है? नेहा, निकल जा यहाँ से, तू मरेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। तूने और तेरे दो कौड़ी के दलाल बाप ने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया है। देखिए, आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए, मगर मेरे बापू को कुछ मत कहिए, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा? निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा, चली जा, मां छोड़ दो मुझे।